मुझसे पूछा किसी ने दिल का मतलब, तो मैंने हंसकर कह दिया ठिकाना तेरा। जब पूछा सुहानी शाम किसे कहते हैं, तो मैंने इतरा कर कह दिया चाहना तेरा। उसने पूछा कि बताओ ये कयामत क्या है, तो मैंने घबरा कर कह दिया रूठ जाना तेरा। मौत कहते हैं किसे, जब पूछा मुझसे, मैंने आंखें झुका कर कह दिया छोड़ जाना तेरा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही लाइनों से भरी जिंदगी जी रहे हैं आज के कपल्स, जिनके लिए ये लाइनें सिर्फ लाइनें ही नहीं, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इस दिन कपल अपने पार्टनर को फूल, चॉकलेट, टेडी बियर और गिफ्ट देते हैं, या कहें कि अपने प्यार और रिश्ते का जश्न मनाते हैं। इस 14 फरवरी से पहले पूरे हफ्ते वैलेंटाइन डे वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इन गिफ्ट्स और फूलों को खास तौर पर इन दिनों में ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत रोज डे से होती है और आखिरी दिन किस डे मनाया जाता है। इन 7 दिनों के बाद 8वें दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब मैं दुनिया भर में मनाए जाने वाले इस खास दिन की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताती हूँ। ऑरियो ऑफ जैकोबस डी बोर्जिन नाम की पुस्तक के मुताबिक रोम के एक पादरी थे संत वैलेंटाइन। वो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मान्यता रखते थे। उनके लिए प्रेम ही जीवन था, लेकिन इसी शहर के एक राजा क्लॉडियस को उनकी ये बात पसंद नहीं थी। राजा को लगता था कि प्रेम व्यवहार से पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। इसी वजह से उसके राज में सैनिक और अधिकारी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन संत वैलेंटाइन ने राजा क्लॉडियस के इस आदेश का विरोध किया और रोम के लोगों को प्यार और विवाह के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अधिकारियों और सैनिकों की शादियां भी कराई। इस बात से राजा भड़का और उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी को फांसी पर चढ़वा दिया। उस दिन से हर साल इसी दिन को प्यार के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, प्यार वो खूबसूरत एहसास है जिसमें ना ऊंच नीच, ना जात पात, ना ही धर्म का बंधन होता है, और ये केवल इंसानियत और खूबसूरत एहसास का रिश्ता होता है। हफ्ते के 7 दिनों में लोग अलग अलग गिफ्ट देकर मनाते हैं। वह अपने पार्टनर को कार्ड, चॉकलेट, गुलाब और गिफ्ट देकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी ने कार्ड की प्रथा को खत्म सा कर दिया है। इसकी जगह अब ई कार्ड ने ले ली है। अब लोग फोन पर ही कार्ड की फोटोज या मैसेज भेजकर एक दूसरे को विश करते हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने ये डे कितना स्पेशल होता है। तो आप सभी भी अपने अपने वैलेंटाइन के साथ हैप्पी रहिए और एंजॉय करिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डरलाइन।